हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्क्वायर विदाउट कैलकुलेटिंग। अब जैसे इसमें दिए है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, कितने नंबर है 1 2 3 4 5। इसमें आपके पास सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि 1 से शुरू होना चाहिए सम के लिए, और दूसरी बात सारे ऑड नंबर होने चाहिए, सभी ऑड नंबर होने चाहिए। कितने नंबर है 5, एक तो यहाँ स्क्वायर आ गया 5 का स्क्वायर, एक तो स्क्वायर हो गया, एक इसका स्क्वायर था तो 25, मतलब एक सबका सम 25 है। ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, मतलब 10 का स्क्वायर, स्क्वायर भी आ गया टॉपिक। एक 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, सम भी आ गया बिना कैलकुलेट किए। आगे देखो सम आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर है तो 12 का स्क्वायर ये आ गया 144। कंडीशन दो ही चाहिए सम के लिए, पहला ये 1 से शुरू होना चाहिए, दूसरा विदाउट मिसिंग कॉन्टिन्यूसली ऑड नंबर होने चाहिए, कॉन्टिन्यूसली ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड विदाउट मिसिंग एनी ऑड नंबर। जितने भी नंबर है उसका स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर करो वो सम आ जाता है। दो चीज़ें होगी, एक स्क्वायर हो गया, एक सम आ गया आपके पास। दूसरी चीज़ जो आज हम करेंगे स्क्वायर, जिसके एंड में 5 होता है, जिसके एंड में 5 होता है, आप देखिए जैसे आपको 25 का स्क्वायर करना है, या तो आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, तो हमें सीधा करना है इसको 5 का स्क्वायर 25, 2 दिया हुआ उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीपल करो, 2 3 जा 6 2 3 जा 6। 15 का स्क्वायर जैसे है तो 5 का स्क्वायर करो 25, 1 का नेक्स्ट नंबर 2 है, 1 into 2 2। ऐसे ही हम करेंगे जैसे 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर नेक्स्ट नंबर 3 4 जा 12 3 4 जा 12, नेक्स्ट 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 4 को नेक्स्ट नंबर से 4 5 जा 20 वो लिखेंगे आप 2025। आई होप आप सबको समझ आया होगा, थैंक यू सो मच।